आगामी उत्तरायणी मेले में लगने वाले राजनीतिक पंडाल के लिए जिला कांग्रेस सक्रिय हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक व कपकोट के विधायक ललित परसवाण ने कहा कि मेले की परंपरा के अनुसार हर साल सरयू तट पर कांग्रेस का राजनीतिक मंच लगता है, जिसमें शीर्ष नेता पहुंचकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल राजनीतिक मंच में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कई बड़े नेताओं के पहुंचने की संभावना है। मकर संक्रांति के पावन पर्व हर वर्ष की भांति विभिन्न राजनीतिक दलों का वहां पर संबोधन होता है, उसी के कार्यक्रम के लिए किस तरह से व्यवस्था होगी, हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के नेता आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो कैसी व्यवस्था होगी, किस तरह से व्यवस्था होगी, तो इसी विचार विमर्श के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई है। हमने इसमें नगर अध्यक्ष श्री धीरज कुरुंगा को नामित किया कि वो अपने एक समिति बनाएं जिसमें जो संयोजक के रूप में वो काम करे, ताकि हर कार्यकर्ता को काम सौंपा जा सके, चाहे वो मंच व्यवस्था हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, किस तरह से व्यवस्था होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस सब के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है। और किस रूप में हम इसको मनाएंगे, ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। कार्यकर्ताओं का सुझाव है कि हम स्टेशन से लेकर पूरे बाजार में एक प्रदर्शन के रूप में पूरे बाजार में घूमें। आज की जो बैठक है ये उत्तरायणी मेले की तैयारी के लिए है, और उसमें सभी हम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और सभी ने अपने विचार रखे और सभी ने अपने सुझाव दिए। हमारा भव्य रूप भव्य रैली का हम लोग रैली निकालेंगे, इस तरीके की हमारी तैयारी है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी के आने की यहाँ पे संभावना बन रही है, और उससे हमको लगता है कि हम लोगों को एक नई ऊर्जा भी यहाँ पर मिलेगी। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।